सभी श्रोताओं को स्पर्शदा श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, वैसे तो भारत देश में बहुत सारी त्रासदी हुई है और त्रासदी में जान और माल दोनों की बहुत ज़्यादा हानि हुई है। कई व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई तो कुछ व्यक्तियों ने अपने जीवन की सारी पूंजी गंवा दी। लेकिन इतिहास में सबसे भयंकर अकाल बंगाल में पड़ा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बंगाल के उस अकाल की जो 1770 में पड़ा था, जिसे हम द ग्रेट फेमीन ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। बंगाल के उस भयंकर अकाल की तस्वीरें आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। और उस आपदा में, उस अकाल में करीब 30 लाख से अधिक लोगों की मौत सिर्फ भूख से तड़प तड़प कर हो गई थी। ये सिर्फ प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, प्राकृतिक होती तो शायद इतना नुकसान ना पहुँचता, बल्कि ये मानव निर्मित भी थी। ये अकाल बंगाल में 1770 में पड़ा, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी। और उस समय के बंगाल का जो नक्शा था, उसमें वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, कुछ हिस्सा असम का, उड़ीसा का, बिहार का और झारखंड का भी था, जो कि मुगल शासन का एक प्रांत था। 16वीं शताब्दी से इस प्रांत पर नवाब या गवर्नर राज्य करते थे। इस प्रांत के राज, यानी बंगाल का जो राज्य के जो नवाब थे, वो 18वीं शताब्दी के बाद इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र हुए, परंतु साथ ही में वे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। 17वीं शताब्दी में अकबर के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता में व्यापार करने का अधिकार मिल चुका था, और इस समय कंपनी ने मुगल शासन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू की। कंपनी ने व्यापार के लिए कई सारे जो अधिकार है वो अकेले ही हासिल किए हुए थे, और जिसकी वजह से वो बंगाल पे धीरे धीरे अपना एक वर्चस्व स्थापित करते गए। अगर हम बात करें 1757 में हुए प्लासी के युद्ध की, तो उसमें भी कंपनी ने बहुत हद तक लूटपाट की। बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद 1764 में, जिसमें कि उन्होंने बंगाल पर अपनी धाक फिर से जमा ली। और उसके बाद जो संधि हुई उसके अंतर्गत दीवानी अपने अंतर्गत कर ली। दीवानी उस समय का एक महत्वपूर्ण कर था, जिसके बाद कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया। 1764 के युद्ध के बाद बंगाल और बिहार के मध्य गंगा के आसपास का जो क्षेत्र था, उसमें करीब करीब एक तिहाई लोगों की मृत्यु हो गई भूख से और अकाल की वजह से। कई सारी महामारियों के चलते असम, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश यानी कि जो बंगाल का क्षेत्र था, 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र पे बंगाल के इस अकाल का फर्क पड़ा था, वो थे वीरभूम, मुर्शिदाबाद, तिरहुट, चंपारण और बेतिया, जो कि इस समय बिहार में है। 1768 और 1769 के आसपास ज्यादातर खाने पीने की समस्या हुई। कई क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन सही तरीके से नहीं हुआ था और सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से लोगों को खाने पीने की बहुत समस्या हुई और उनको खाने को नहीं मिला, और वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कंपनी के पास भी गए, परंतु कंपनी ने इन सभी समस्याओं को अनदेखा कर दिया। 1770 की शुरुआत में ही भूख की वजह से लोगों की मृत्यु होने की शुरुआत हो गई। किसी लेखक ने ये तक कहा है, जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, उनके शरीर का मांस खाकर बाकी लोग जिंदा रह रहे थे, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी। और अगर कंपनी की बात की जाए, तो कंपनी ने बंगाल के लोगों की कोई मदद तो नहीं की, लेकिन उसके बजाय जमीन पे जो उत्पादन करते थे उसके ऊपर जो कर होता था वो 1/10 होता था, यानी कि 10% होता था। उस अकाल की स्थिति में भी उस कर को बढ़ाकर 50% कर दिया था। यहाँ तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉपी और इंडिको जैसे पौधे किसानों से उगवाने शुरू किए, ना कि वो खाद्य पदार्थ जिसको वो खा के जिंदा रह सके। पॉपी और इंडिको जैसे कृषि उत्पादन इसलिए करवाए गए ताकि उनको बेचकर कंपनी को फायदा हो सके, लेकिन कंपनी ने किसानों से अपना कर इकट्ठा करना नहीं छोड़ा। 1770 के आखिरी तक अकाल की स्थिति कम हुई, लेकिन तब तक एक तिहाई जनसंख्या बंगाल की कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से डकैती और चोरी बंगाल में बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई, तो वहाँ के लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी। दोस्तों, बंगाल के अकाल से सिर्फ ये पता चलता है कि बहुत हद तक प्राकृतिक होने के बावजूद बंगाल का अकाल मानव जनित कारण कह सकते हैं, क्योंकि लोगों की स्थिति से वाकिफ होने के बावजूद उनकी मदद करने के बजाय कंपनी और नवाब ने उनका कोई सहयोग नहीं किया, किसानों पे अधिक जुल्म किया, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया,
और इसी समय पे उन्होंने कर की दरें भी बढ़ाई, जिस वजह से इतने सारे लोगों की मृत्यु बंगाल के इस महाअकाल में हुई। दोस्तों, बंगाल के और जो अकाल आए थे या बंगाल की और जो परिस्थितियां थी उनके बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।